ओके दोस्तों, हमारी मोटर हो चुकी है कंप्लीट विंडो एसी मोटर की। और ये मोटर मैंने जो वाइंड करी है हिटाची की मोटर है विंडो एसी की, और ये डबल शाफ्ट मोटर है। और इसमें देख सकते हैं इसमें हिटाची की रबड़े लगी हुई है। और इसकी जो जानकारी मैंने दे चुका हूँ, फिलहाल मैं आपको इसकी एम्पेयर चेक करवाता हूँ, इसके हाई मीडियम लो पे कितने एम्पेयर ये लेती है, जो मैंने इसको वाइंड करी अपने कॉपर वायर से। और ये निकली सिल्वर में, तो दोस्तों सिल्वर में आती है ज़्यादातर मोटर। और ये मैंने इसे कॉपर में करी, और मैंने इसमें जो डाटा मेंशन कर चुका हूँ उसमें क्या डाटा डाला, कितनी टर्न डाली और क्या क्या इसमें डाला मैंने। दोस्तों फिलहाल मैं आपको इसके कनेक्शन चेक करवाता हूँ, हाई पे कितने एम्पेयर लेते हैं। ये मेरा एम्पेयर मीटर जो इस एम्पेयर पे कितने, हाई पे कितने एम्पेयर लेती है, मीडियम पे कितने एम्पेयर लेते हैं, लो पे कितने एम्पेयर लेती है, ताकि हमारी तीनों स्पीड काम कर रही है कि नहीं कर रही। ज़्यादातर क्या होता है कि बंदा लोकल बंदे से वाइंड करवाता हूँ सिंगल स्पीड में वाइंड कर देता, तीन तार एक ही तार में जोड़ देता, वो जोड़ता खाली हाई स्पीड में, यानी कि सिंगल स्पीड में। तो वो खाली तुम्हें चेक करके बता देगा, देखो भाई तीनों स्पीड काम कर रही है, पर जब हम पीसीबी में लगा के चेक करते हैं तो एक ही स्पीड बताती है और एक ही एम्पेयर बताएगी तुम्हारे कि भाई ये एक ही स्पीड पर चल रही है, कम स्पीड पर वो नहीं चलती। और जो मैं वाइंड करता हूँ वो तीनों स्पीडों में काम करती है, मीडियम पे अलग एम्पेयर लेगी, लो पे अलग एम्पेयर लेगी, हाई पे अलग एम्पेयर लेगी। ओके दोस्तों फिलहाल शुरू करते हैं, हमारे हाई पे कितने एम्पेयर ये लेती होगी। दोस्तों अभी मैंने इसमें कनेक्शन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं मैंने ब्लू में अपनी ब्लैक तार लगा रखी जो मेन तार है, और एक ब्लैक तार में ब्लैक तार जोड़ रखी जो हाई है। ओके दोस्तों ये मेरी मेन तार जो आ रही है, बाकी की वाइट और लो पे मैं आपको चेक करूँगा, वाइट हमारी मीडियम है, लो हमारी रेड है। ओके दोस्तों कैपेसिटर की तार अलग से लगी हुई है, इसमें 5 का कैपेसिटर लगता है और मैं फिलहाल 6 के कैपेसिटर से चेक करवा रहा हूँ आपको। मैं चेक करवा दूँगी उल्टा, ये देखो 5 का कैपेसिटर है और मैंने इसे अपना ये देखो 6 का कैपेसिटर से चेक करवा लूँगा कितना एम्पीयर लेती है। ओके दोस्तों फिलहाल शुरू करते हैं, ये देखो हमारी फिलहाल मोटर ये चल रही है, आपको दिख रहा होगा। और हाई पे देखो ये कितने एम्पीयर लेती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.44। ओके दोस्तों 44 एम्पीयर, 0.44 एम्पीयर। और जो हमारी हाई पे, अब मैं आपको उसकी मीडियम चेक करूँगा जो वाइट है। ओके दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ से बंद कर दूँ, ताकि हमारी सेफ्टी की बहुत जरूरत है, नहीं तो करंट लग जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ये हमने तार निकाल ली इसमें से, और मैं आपको फिलहाल चेक करवाता हूँ इसकी मीडियम। ओके दोस्तों मैंने यहाँ से ये एक मिनट में जरा पहले इसको सही कर लेता हूँ, और ये मैंने इधर से बटन ऑन कर दिया। ओके दोस्तों फिलहाल मैंने आपको इसकी मीडियम चेक करवाता हूँ, ये देखो हमारी ये मीडियम चल रही है स्टंप पे। ओके दोस्तों और हमारी मीडियम जो ले रही है 26, उसके आधे पे ले रही है। दोस्तों ये हमारी मीडियम आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर की है। अब मैं इसकी आपको लो चेक करवाता हूँ, ये है इसकी लो। ओके दोस्तों लो हमारी ये चल रही है स्टंप पे, लो हमारी कितने एम्पेयर ले रही है, 0.1718। ओके दोस्तों हमारी एम्पेयर ये लो पे इतने एम्पेयर ले रही है। ओके दोस्तों जब भी कभी आप मोटर किसी से वाइंड करवाए तो प्लीज़ अपने उससे बोलो कि मोटर चेक करके दिखाओ, और इसके एम्पेयर भी चेक करके दिखाओ कि ये एम्पेयर हाई पे और लो पे कितने एम्पेयर ले रही है। मीडियम पे इतना पता नहीं चलता, हाई और लो पे आपको पता लग जाएगा। ओके दोस्तों इससे हमें पता लगता है कि इस बंदे ने हमारी 3 स्पीड मोटर वाइंड करी है, ना कि सिंगल स्पीड। ओके दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका अपना कुणाल इलेक्ट्रिकल्स, प्लीज़ मेरा चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, और आगे से आगे आपको नई नई मोटरों की जानकारी मिलती रहेगी। ओके दोस्तों और अगर मेरे चैनल पर नए लोग आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबाओ और बेल आइकन दबाओ। ओके दोस्तों बाय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुणाल इलेक्ट्रिकल्स में। मेरे पास एक हिटाची की मोटर आई थी विंडो एसी डबल शाफ्ट में, और इसकी जो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, मैंने फिलहाल मोटर को वाइंड कर चुका हूँ, और मैं आपको इसकी पूरी वीडियो अपनी कुणाल इलेक्ट्रिकल्स के माध्यम से आपको वीडियो में सारी जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में दी है। ओके दोस्तों फिलहाल मैं आपको इसकी एचसी वगैरह बता दूँ, चार्जिंग क्या पीछे है वो सारा डिटेल से बता दूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलते हैं। ओके दोस्तों ओके दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इससे पहले, ये मोटर PIC कंपनी की है, मॉडल नंबर E1162, और रोटेशन है एंटी क्लॉक WCWC, यानी कि साबड़ एंड की तरफ से एंटी चलेगी। ओके दोस्तों कैपेसिटर इसमें है 5 MFD, वोल्टेज इसमें 440 VSC। ओके दोस्तों और ये RPM जो है 950, 750, और इसमें वोल्टेज 230 तक आराम से चल सकती है एम्पेयर में। ओके दोस्तों एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर इसके 1.20 HP/60 W, इसके आते 106। ओके दोस्तों और इसमें मैं बता दूँ इसके अंदर जो है 3 स्पीड मोटर है, आप देख सकते हैं इसको, ग्रे ग्रे इसकी कैपेसिटर है, ब्लू कॉमन है, ब्लैक हाई है, वाइट मीडियम है, रेड लो है, और ये रहा इसका जैक, आप देख सकते हैं कैपेसिटर की इसमें अलग से ग्रे ग्रे, जो मैंने इसको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वाइंड करी है। और इसके अंदर कोर जो है, मैं आपको बता दूँ इसके अंदर कोर कितनी है, कोर इसकी है 1.5 इंची। ओके दोस्तों 1.5 इंची कोर है इसकी इतनी, और डाया मैंने पहले से नाप रखा है, डाया कितना है इसका, डाया इसका है 2 इंची 7 फुट, 2 इंची 6 फुट इसका डाया। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं इनर डाया, इसका जो अंदर का डाया वो है 2 इंची 6 फुट, और है इसकी 1.5 इंची। ओके दोस्तों बाकी फिलहाल मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाऊंगा, मैंने इसमें जो डाटा डाला वो मैंने इस वीडियो में मेंशन कर रखा है। ओके दोस्तों इसे मैंने क्या डाला सब कुछ A to Z मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मेरी आगे से आगे वीडियो शेयर हो और आगे से आगे वायरल हो, और मेरे वीडियो को आप लोग सपोर्ट करो, ताकि मैं अपने इस एसी की मोटर को जो भी जैसी मोटर होगी मैं आप लोगों तक आपके पास पहुँचाता।
हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम पर अपने फर्मे पर कॉयल बना रहा हूँ और ये कॉयल जो मेरे हैं बन चुके हैं। फिलहाल मैं आपको इसका डेमो बता रहा हूँ किस तरीके से कॉयल बनाते हैं। ये जो मेरी पिच है ये छोटा कॉयल है, 4 के बीच का कॉयल है और इसको तार से इस तरीके से बांध दे ताकि ये खुले ना। और जैसे कि हमारे ये 4 6 के पीस का कॉइल था, ऐसे ही 4 6 4 6 के पीस से हमारे 3 3 के सेट बन जाएंगे। ये हमारे फर्म में आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉइल बनते हैं। और ये मैं इस टाइम पे 4 की पीच में कॉइल डाल रहा हूँ और जो लाड है हमारे 36 लाड है इसमें 4 6 की पीच है। और इसमें जो मैंने तार नंबर जो डाली है मैंने इसमें 29 नंबर से डाली है मैंने। अभी मैं 6 की पिच का कॉइल डाल रहा हूँ जिसमें मेरी 200 टर्ने हैं 6 की पिच में और 4 के पिच में मेरे 2 टर्ने थे। दोस्तों वैसे ही धीरे धीरे हमारा 4 6 की पिच डालते रहेंगे। ये मेरा दूसरे कॉइल का 4 के पीस का 36 लाड में 104। दोस्तों ऐसे ही हमारी मोटर के कॉइल धीरे धीरे ऐसे डलते जाएंगे और ये हमारे 6 का पीच। और मैंने इसमें 3 स्पीड के कनेक्शन भी करे, इसमें स्पीड की तार भी मैंने डाल रखी है। दोस्तों हमारा न्यूज पेपर कलम 7 नंबर वाइट पेपर, 4 के बीच में हमेशा मैं सेपरेशन लेता हूँ ताकि उसके ऊपर से हमारा 6 की पिच का डबल होता है। तो दोस्तों 4 6 की पिच में 4 के बीच में हमारा स्टार्टिंग का डबल होता है, इसलिए हमें ये हमारा देखो 1 2 3 4 एक से चार, अभी 1 2 3 4 5 6 ये 6 के बीच का कॉइल दोस्तों हमारा कॉइल जो रनिंग। वही हमारे आखिरी स्टार्टिंग का कॉइल जो मैं आपको पहले बता रहा था और ये हमारा 3 का सेट डल चुका है और ये हमारा रनिंग का 3रा सेट डल रहा है यानी कि चौथा 3 3 के सेट है यानी कि दूसरे का सेट डल रहा है मेरा। और हमारा 6 के पिच का कॉइल डल रहा है 29 नंबर से। रनिंग स्टार्टिंग मैंने इसमें 29 से ही डाली है, सिंगल डबल राउंड है। और ये हमारा लास्ट सेट 4 के पिच रनिंग का कॉइल जो हमारा है पूरे कॉइल होते हुए नजर आ रहा है। हमारा 6 के पीस का भी कॉइल हमारा डल चुका है। ओके दोस्तों बस ऐसे ही हमारे सेट पूरे डल जाएंगे और उसके बाद स्टार्टिंग डालूंगा। ओके दोस्तों हमारी रनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप रनिंग मैंने इस तरीके से। अभी मैं थोड़ी मार के इसकी शेप बना रहा हूँ इस तरीके से। क्या है हमारी कॉइल आराम से डल जाते हैं और हमारे स्टार्टिंग का 4 के पीच का कॉइल भी डाल दिया मैंने, 6 के पीच का भी कॉइल मैं डाल रहा हूँ। बस ऐसे ही धीरे धीरे कॉइल हमारे डलते रहेंगे। ऐसे हमारे धीरे धीरे कॉइल 4 से 4 से के पिच में स्टार्ट डल जाएगी और इसमें रनिंग में मैंने स्पीड भी डाली है, वो आपको एंड में मैं बताऊंगा।
हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आपको अपना कुणाल इलेक्ट्रिकल्स। अभी दोस्तों आप लोगों की बहुत मेरे को सपोर्ट है और ये मेरा स्टार्टिंग का लास्ट का कॉइल जो मैंने लास्ट में आपको शुरुआत में दिखाया था, चार छः के बीच छोटे पर मैं ही मैं डालता हूँ ज़्यादातर अपनी मोटरों में। लच्छे कोयल मैंने डालता है, मैंने छोटे फर में ज्यादा बना रखे इसलिए तो दोस्तों। और बाकी अब ये हमारा कोयल जो डल रहा है स्टार्टिंग का, हमें इसमें बहुत सावधानी से देखना पड़ता है हमारे तार बिना छिले और हमारे कोयल भी आराम से डल जाए। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने फोन के वीडियो से बना रहा, फोन से अपने वीवो फोन है मेरा, इससे कि मैं वीडियो अपनी जितनी वीडियो बनाता हूँ मैं इसी फोन से बनाता हूँ। और जो मेरा माइक है वो मेरा ब्लूटूथ है, आपने कभी देखा होगा मैंने अपने कान में कई बार ब्लूटूथ लगा रखा होता है, वो मैं अपने इसी माइक से इस ऑडियो को बताता रहता हूँ। मैंने इसको इसलिए जल्दी फॉरवर्ड कर रखा था ताकि ये मेरी जो मोटर वाइंड हुई थी कंप्लीट पूरे 50 मिनट 40 सेकंड की, तो इसको मैंने जैसे तैसे करके काट पीट के 12 सेकंड 12 मिनट की कर दिया। 12 मिनट में जो मैं अलग से इसमें ऑडियो डाल रहा हूँ वो आप बताना कि कैसे ऑडियो डाली मैंने। तो दोस्तों शुरुआत है मेरी अभी तो खैर ऐसी, ये मेरी रनिंग स्टार्टिंग दोनों डल चुकी है। मैं आप इसमें लास्ट में पीछे मैं धागा कर रहा हूँ, इसमें धागा भी अच्छा वाला लेना चाहिए इसमें ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और जो मैं इसे कनेक्शन करूँगा ना दोस्तों, उसको जरा गौर से देखना और ध्यान से समझना, इसको मैं हाई स्पीड बनाऊंगा, थ्री स्पीड में हाई मीडियम लो इस तरीके से निकलती है वो इसमें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके कनेक्शन वगैरह करने के बाद आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने सेपरेशन डाल दिया इसमें ताकि हमारी रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो, टच ना हो, अगर जरा बरा से भी तार छिड़ी हो तो वो बता से बता दे, मतलब बताना क्या शोरी, मतलब एक तरीके से हमारी स्पार्किंग ना हो तो हमारा सेपरेशन वो काम करता है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा इसमें कौन कौन सी तार कौन सी है, ये हमारी स्पीड है, thank you.
हर एक जॉइंट पे था कि आप देख सकते हैं मैंने पांच तार निकाल रखी है, एक कॉमन में हमारी रनिंग, एक कॉमन में हमारी अलग से रनिंग कैपेसिटर की तार जोड़ती है। ओके दोस्तों, और ये हमारा धावा, धावा करने के बाद इसकी शेप बनाऊंगा। और ये हमारा धावा जल्दी जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्त हमारी हो चुकी है मोटर कंप्लीट, और मैं इसमें पेपर वेपर दबा के, स्लॉट पेपर दबा के इसकी शेप बना के आपको इसके एम्पेयर चेक करूंगा मेरी मोटर में, इस मोटर में कितने एम्पेयर की देती है दोस्तों।